सो गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख लो कि मुझे इस लोन एप्लीकेशन के अंदर पूरे 15,000 का लोन मैसेज आ चुका है, जो अभी आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हो। और दोस्तों, सबसे मजे की बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर जो मुझे 15,000 का जो लोन ऑफर बताया जा रहा है, बिना कोई इनकम प्रूफ का, बिना कोई सिविल स्कोर का, यानी कि दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करते टाइम बस अपने पैन का, आधार कार्ड से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर अपना KYC कम्प्लीट किया हूँ। और मुझे यहाँ पे बता दिया गया कि मैं इस लोन एप्लीकेशन के अंदर पूरे 15,000 का लोन के एलिजिबल हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऐसी लोन एप्लीकेशन के तलाश में थे जहाँ से आपको पैन का, आधार कार्ड से KYC कंप्लीट करके लोन मिल जाए, तो यह लोन एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई करना है और आपको जो लोन मिलेगा उसको सीधा अपने बैंक अकाउंट में भी कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाया हूँ। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो इस लोन एप्लीकेशन का लिंक मेरे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको देखने मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो मैं दिए हुए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से भी आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। और वैसे मैं आपको वीडियो के बीच में किसी भी टाइम बता दूंगा कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। और दोस्तों, अगर इस लोन एप्लीकेशन का रेटिंग का बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन को 4.6 का रेटिंग मिला हुआ है, जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़बरदस्त रेटिंग मिला हुआ है। और डाउनलोड्स की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 मिलियन+ लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे आप इस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लोगे, फिर यहाँ पे नीचे आप ओपन का जो आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको ओपन वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और ओपन वाले आइकन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाए जहाँ पे लिखा हुआ था गेट स्टार्टेड, तो यहाँ से आपको गेट स्टार्टेड वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और गेट स्टार्टेड वाले आइकन पे क्लिक करते दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंटर फोन नंबर। तो दोस्तों, आपको इस बॉक्स में अपना 10 डिजिट एक मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। फिर उसके ठीक नीचे गेट OTP का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से आपको गेट OTP ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहां से आप गेट OTP ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जो भी मोबाइल नंबर आप यहां पे प्रोवाइड कराओगे, उसी मोबाइल नंबर पर इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा एक OTP आएगा। तो OTP इंटर करके वहां से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे वहां से अपना OTP इंटर करके यहां से वेरीफाई OTP ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों अब यहां से आप इस लोन एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर आ जाओगे। और होम स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों, यहां पर काफी सारा ऑप्शन देखने मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको इस लोन एप्लीकेशन का प्रश्न अप्लाई करने के लिए ऊपर ही आपको एक ऑप्शन देखने मिल जाता है, जहां पे बताया जाता है कि आप इस लोन एप्लीकेशन का अंदर मैक्सिमम पूरे 5 लाख तक का प्रश्न ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे पर्सनल का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, तो नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक लोन्स का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप लोन्स वाले ऑप्शन क्लिक करके यहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से आपको लोन अप्लाई करने के लिए नीचे आप एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ था चेक लोन ऑफर्स। तो यहाँ से आपको चेक लोन ऑफर्स वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और चेक लोन ऑफर्स वाले ऑप्शन क्लिक करते यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अलाउ ऐप परमिशन, यानी कि दोस्तों अब यहाँ से आपको इस लोन एप्लीकेशन को परमिशन देना होगा। तो परमिशन देने के लिए नीचे आपको अलाउ का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको अलाउ वाले ऑप्शन क्लिक करके इस लोन एप्लीकेशन को एक एक करके यहां से आपको लगातार परमिशन दे देना है। और दोस्तों, परमिशन देते ही आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहां पर ऊपर आपको देखने मिल जाता है पर्सनल डिटेल्स, यानी कि दोस्तों अब यहां से आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर कुछ अपना पर्सनल डिटेल्स देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पर डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेना है कि आपके पैन कार्ड में क्या आपका डेट ऑफ बर्थ है, सेम वही डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि आप जेंडर में मेल हो या फीमेल हो, आपका जो भी जेंडर होगा वह सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल जाएगा इंटर करेंट एड्रेस पिन कोड, यानी कि दोस्तों अभी आप करेंट में जहाँ पर भी रहते हो वहाँ का पिन को इंटर करके नीचे आपको कंटिन्यू का जो आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वर्क डिटेल्स, यानी कि दोस्तों अब यहाँ से आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर अपना कुछ वर्क डिटेल्स यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना इम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि आप इंप्लॉयमेंट टाइप में क्या हो, सैलरीड पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड या स्टूडेंट हो या नॉन सैलरीड हो, दोस्तों आप जो भी होगा आपका इंप्लॉयमेंट वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों अपने यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट कर लेना है कि आप जो जॉब करते हो, किस टाइप का जॉब करते हो, किस पोस्ट में वो इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा
मोड ऑफ सैलरी, यानी कि दोस्तों आपका जो सैलरी मिलता है वो आपको कैश मिलता है, चेक मिलता है या बैंक अकाउंट में मिलता है, जिस भी प्रकार से आपका सैलरी मिलता है वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा इंटर पैन कार्ड नंबर, तो आपको इस बॉक्स में पैन कार्ड 10 डिजिट आपको नंबर इंटर कर देना है। फिर यहाँ पर देखने मिल जाएगा इंटर मंथली इनकम, तो दोस्तों यहाँ पर मंथली इनकम इंटर कर देना है कि आप एक मंथ में कितना अर्न कर लेते हो। फिर नीचे वो कंटिन्यू का जो आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे वहां से आप कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपके पैन कार्ड के बेस पर यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आप इस लोन एप्लीकेशन का कितना लोन एलिजिबल हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि मैं इस लोन एप्लीकेशन के अंदर पूरे 15,000 का लोन एलिजिबल हूँ, जो अभी आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हो। और यहाँ पर आप देख लो कि हम यहाँ से मिनिमम 1,000 से लेकर मैक्सिमम पूरे 15,000 तक लोन अमाउंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, आपको जितना भी लोन ऑफर किया जाएगा, पूरा लोन अमाउंट लेना चाहते हो, उससे कम लोन अमाउंट लेना चाहते हो, इस एरो को आप स्वाइप करके यहाँ से अपने हिसाब से लोन अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख लो कि यह जो 15 का लोन है यह मुझे 4 मंथ के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। और नीचे मेरे लोन का पूरी डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगा। जैसे दोस्तों हम यहाँ से अपने लोन का पूरी डिटेल्स दिखा देता हूँ कि अगर हम इस लोन एप्लीकेशन के अंदर अगर 15,000 का लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस जो यहाँ पे लगाया जाएगा 901 रुपये लगाया जाएगा, GST जो चार्ज यहाँ पे लगाया जा रहा है 161 रुपये लगाया जा रहा है, उसका दोस्तों प्रोसेसिंग फीस प्लस GST जो बनेगा वह काट के मेरे अकाउंट में जितना ही बचेगा, जैसे दोस्तों 13,938 रुपया ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो लोन अमाउंट है 4 मंथ के लिए दिया जा रहा है, तो मेरा जो पर मंथ EMI हो जाएगा 39,096 रुपये का हो जाएगा, और 4 महीना में मुझे इनको जो टोटल रिपेमेंट करना है 15,944 रुपया। तो दोस्तों अपने लोन का सभी डिटेल्स देख लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ से अपना लोन अमाउंट सेलेक्ट करके नीचे अब एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर क्यूब कैश, तो यहाँ से आपको अप्लाई फॉर क्यूब कैश वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और अप्लाई फॉर क्यूब कैश वाले ऑप्शन क्लिक करते ही ऊपर यहाँ पे देखने मिल जाएगा ऐड ए बैंक अकाउंट, और उसके ठीक नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है वी विल ट्रांसफर अमाउंट दिस अकाउंट, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स इंटर करना है और आपको वही अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे देना है जिस अकाउंट में अपना लोन अमाउंट का पैसा लेना चाहती हो। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा इंटर बैंक अकाउंट नंबर, तो दोस्तों आपने बैंक अकाउंट का नंबर इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों आप जो भी अकाउंट नंबर ऊपर इंटर करोगे सेम वही अकाउंट नंबर यहाँ पे भी इंटर कर देना है। फिर नीचे IFC को इंटर कर लीजिएगा। फिर नीचे आपको ऐड अकाउंट का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट यहाँ से ऐड कर लेना है। और जैसे वहां से अपना अकाउंट डिटेल्स इंटर करके वहां से आप ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपके सामने आ जाएगा टेक ए सेल्फी, और जैसे वहां से आप टेक सेल्फी वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे आपके फोन कैसे कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर दोस्तों नीचे वो कैप्चा नाउ का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको कैप्चा नाउ वाले ऑप्शन क्लिक करके अपना एक सेल्फी स्लो एप्लीकेशन क्लिक करके इस लोन एप्लीकेशन के अंदर अपना एक सेल्फी यहाँ से अपलोड कर लेना है। और सेल्फी अपलोड करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने इस टाइप के इंटरफेस खुल के आ जाएगा, तो फिर से आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर कुछ अपना पर्सनल डिटेल्स देना पड़ेगा। जैसे दोस्तों अपने फादर का फुल नेम यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा, फिर अपने मदर का फुल नेम यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा आर यू मैरिड, यानी दोस्तों क्या आपका शादी हो चुका है। अगर आपका शादी यहाँ से हो चुका है तो यहाँ से आप यस वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना, अगर आपका शादी नहीं हुआ तो यहाँ से आप नो वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना। फिर दोस्तों नीचे देखने मिल जाएगा करेंट एड्रेस, तो दोस्तों अभी आप करेंट में जहाँ पर भी रहते हो वहाँ का एड्रेस इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों करेंट पिन कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। फिर नीचे अब एक ऑप्शन देखने मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू, तो यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। उसका तो फिर यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा वर्क डिटेल्स, यानी कि दोस्तों अब यहाँ से आपको ना वर्क डिटेल्स इंटर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप किस कंपनी में जॉब करते हैं अपने कंपनी का नाम इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों अपने ऑफिस का एड्रेस इंटर कर देना है। फिर दोस्तों आपका ऑफिस जिस भी एरिया में होगा उस एरिया का जो भी पिन कोड होगा पिन को इंटर करके इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे वो कंपनी का जो आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको कंपनी वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे वहां से अपना वर्क डिटेल्स इंटर करके वहां से आप कंपनी वाले आइकन पे क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब यहाँ से आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर अपना सेटअप ऑटो पे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सेटअप ऑटो पे कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको 2 मैटर देखने को मिल जाता है, एक नेट बैंकिंग देखने को मिल जाएगा और सेकेंड में यहाँ पर वो डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास ATM कार्ड है तो यहाँ से आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो यहाँ से आप नेट बैंकिंग भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, तो यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स इंटर कर लेना है कि आप कौन से अकाउंट से अपना सेटअप ऑटो पे कंप्लीट करना चाहते हो। फिर नीचे आपको कॉन्थी का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको कॉन्थी वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और दोस्तों जैसे वहां से कॉन्थी वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर नीचे प्रोसीड का जो आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे यहाँ से प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों यहाँ से आपका सेटअप ऑटो
फोटो पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर इस लोन एप्लीकेशन द्वारा एक OTP आएगा, और OTP जैसे वहाँ पर इंटर करके वहाँ से आप कन्फर्म वाले आइकन पर क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों लगभग 10 से 12 मिनट के अंदर में आपने जो भी अकाउंट डिटेल्स दिया है उसी अकाउंट में इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप भी कुछ इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाया कि आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई करना है, और आपको जो लोन अमाउंट मिलेगा उसको सीधा अपने बैंक अकाउंट में भी कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। दोस्तों आप भी जाइए सेम इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर लो। इस लोन एप्लीकेशन का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप जाओ हमारे दियो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके सेम इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर भी जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाते लोन अप्लाई करने, और हो सकता है कि किसी भी कारणवश आपको ऐसा लोन नहीं मिलता है या अगर आपका लोन यहाँ से रिजेक्ट कर देता है, तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप सच में 100% लोन लेना चाहते हो और आपको पैसों कुछ ज़्यादा इमरजेंसी आ गई, और वैसे में आपने प्ले स्टोर पर जाकर काफ़ी सारे लोन कंपनी ऐसे में ट्राई कर लिया। लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी भी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन नहीं दिया जा रहा है, आपका बार बार लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है, तो दोस्तों मैंने आप सभी लोगों के लिए क्रिप्टो लोन एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मेरे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको सच में 100% लोन लेना है तो आप उन क्रिप्टो लोन एप्लीकेशन के अंदर भी जाकर विजिट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद अपने काफ़ी सारे सब्सक्राइबर लोगों को उन क्रिप्टो लोन एप्लीकेशन से लोन अप्रूवल करवाया हुआ है, और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर लोग भी उन क्रिप्टो लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर खुश हैं। तो आपको सच में 100% लोन लेना है तो आप उन क्रिप्टो लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना गाइज, अगर भी आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लीजिए जय हिंद।